ये हमारे पास एक पेपर शीट है, एक सर्कल की फॉर्म में, सर्कुलर शीट। अब इसको हम फोल्ड कर रहे हैं। इसको हमने ऐसे फोल्ड किया, और अगर इसको खोलें तो ये हमारे पास एक क्रिच बन गई है। इसके अलावा ये सर्कुलर शीट जो है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, ये फोल्ड करके हम देख सकते हैं। एक पार्ट एक के ऊपर आ रहा है। अगर हम ऐसे देखें तो ये सिर्फ यही शीट नजर आ रही है। अब इस शीट को हम इस क्रीज के अलोंग इस रूलर की मदद से हम इसको कट करते हैं। तो ये सर्कुलर शीट के हमारे पास टू इक्वल पार्ट्स हो गए, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। और इन पार्ट्स को हम ऐसे कंबाइन करें तो ये वापस हमारे पास सर्कुलर शीट बना रहा है, वही होल बना रहा है। तो ये होल हो गया और ये उस शीट के टू इक्वल पार्ट्स हो गए। अब ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, रेक्टेंगुलर पेपर शीट। इसको हम इस तरह से फोल्ड करते हैं, ये साइड से, ये साइड मिलाए, ये साइड मिलाए, ये हम फोल्ड कर रहे हैं। और इसकी क्रीज के अलावा ये रेक्टेंगुलर शीट टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। ये दोनों इक्वल पार्ट्स हैं। अगर हम इस क्रीज के अलोंग इसको फोल्ड करें तो वापस हमें ये एक के ऊपर एक शीट आ रही है। तो ये रेक्टेंगुलर शीट को हमने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। हम इसी साइज की एक दूसरी रेक्टेंगुलर शीट ले रहे हैं। अब क्या हम इसको ऐसे इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं। इस तरह से हमने फोल्ड किया इस रेक्टेंगुलर शीट को, तो ये रेक्टेंगुलर शीट के टू इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। तो उसी रेक्टेंगुलर शीट को हम एक तरह से इस तरह से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है, इस तरह से भी हम टू इक्वल पार्ट्स में इस रेक्टेंगुलर शीट को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, इस शीट का एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। नाउ ये वही रेक्टेंगुलर शीट जिसको हमने दो अलग अलग ढंग से टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। क्या क्या हमारे पास कोई और मेथड है जिसकी मदद से हम इस रेक्टेंगुलर शीट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके ये जो एंड पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हमने एक लाइन खींची और हम इस शीट को, ये दो, हमने इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। कैसे इक्वल पार्ट बनेंगे ये, हम इसको, इस रूलर को हमने लिया और इस शीट को इस लाइन के अलोंग हम कट कर रहे हैं। तो ये इस रेक्टेंगुलर शीट के टू इक्वल पार्ट्स हो गए। ओके, अगर हम इनको इस तरह से एक के ऊपर एक रखें तो आप देख सकते हैं ये जो दोनों ट्रायंगल्स जो बने हैं वो एक के ऊपर एक आ गया है। यहां से सिंगल शीट दिख रही है। तो ये तरीका है जहां हम जो है कि रेक्टेंगुलर शीट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर इन पार्ट्स को हम वापस ऐसे रखें, इस पार्ट्स को हम वापस ऐसे रखें, तो वापस हमारे पास वो ये टू इक्वल पार्ट्स हो गए। और इसको अगर हम कंबाइन करके रखें, साथ मिला के रखें, तो ये होल रेक्टेंगुलर शीट होगी। ये होल हो गया और ये उसके टू इक्वल पार्ट्स हो गए। सो हमने रेक्टेंगुलर शीट को तीन ढंग से, यहाँ पे एक तरीका ये था जहाँ हमने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। एक ये है टू इक्वल पार्ट्स, और एक ये है जहाँ हमने इस शीट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सेम रेक्टेंगुलर शीट, थ्री डिफरेंट मेथड से हमने इस शीट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्या आप इन तीन तरीकों के अलावा कोई और तरीका जानते हैं, कोई और मेथड जानते हैं जिससे आप इस रेक्टेंगुलर शीट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें? ये आपके लिए एक्टिविटी है।